हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 2022 का फ़रवरी महीने का 26 तारीख 5:54, सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए आज का ये ब्लॉग शुरुआत करता हूँ। ये है लाचुंग वैली, और लाचुंग वैली में हम लोग काल पहुँचे हैं रात को, और यहाँ पे ये जो होम स्टे है यहाँ पे रुक रहा है। और हम लोग आए थे गैंगटॉक से, गैंगटॉक होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं स्टे पे। ये जो होम स्टे दिख रहा है, यही होम स्टे पे हम लोग यहाँ पे रह रहा है। और यहाँ से जो ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता से हम लोग काल आए थे यहाँ पे, शाम को पहुँचे हैं यहाँ पे, ये लाचुंग वैली पे। ये बहुत प्राकृतिक सुंदरता भरपूर ये जगह है, बहुत ही बढ़िया। ये सब कटेज है और होमस्टे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। आज सुबह का टाइम, कोई भी जगह नहीं है, सब लोग छो रहे हैं। हम एक ब्लॉग बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ का दृश्य अभी बर्फ, काल बर्फ कमती था, आज पूरा बर्फ गिर रहा है यहाँ पे। ये जो वैली है बहुत ही सुंदर है, और ये जो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, जो पहाड़ या बर्फ से भरपूर है। ये लाचुंग वैली पे आने के लिए पहले गैंगटॉक आना पड़ता है। गैंगटॉक से होते हुए लाचुंग वैली आ सकते हैं। गैंगटॉक से लाचुंग वैली आने के लिए यहाँ दूरी पड़ता है 120 किलोमीटर। गैंगटॉक से लाचुंग वैली तक 120 किलोमीटर, और गैंगटॉक से और हायर कार मिल जाता है, प्राइवेट कार मिल जाता है, नहीं तो वहाँ से ट्रेवल एजेंसी पे कॉन्टेक्ट करके वहाँ से आ सकते हैं। ट्रेवल एजेंसी पे कॉन्टेक्ट करने से 1500 से 2000 रुपया में यहाँ का पैकेज मिल जाता है, और 1500 से जो 2000 का जो पैकेज है, वहाँ से लेके वन नाइट हॉल यहाँ पे हो जाता है, और खाना पीना साथ ही लंच, खाना पीना साथ ही वो ब्रेकफास्ट का व्यवस्था वहाँ पे हो जाता है। एक रात का यहाँ पे ठहरना, उसके बाद यहाँ का देखना दिखाएंगे, उसके बाद लेके जाएंगे फिर से गैंगटॉक। यानी 2000 में ये पैकेज गैंगटॉक से तय होता है। लेकिन ये मत भूल करना आप लोग, क्या है, सिलीगुड़ी में उतरने के बाद वहाँ का ट्रेवल एजेंसी आप लोग को लेके जाएंगे और बताएंगे कि वहाँ से पैकेज लेने से बहुत बेसी ज़्यादा पैसा पड़ जाता है। इसलिए पैकेज कभी भी सिलीगुड़ी से मत लीजिएगा, जो पैकेज लेना है गैंगटॉक में आके ही पैकेज लेना है। इंडिया का सभी जगह से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए पहले से ही सिलीगुड़ी आना पड़ेगा, NGP न्यू जलपाईगुड़ी, वहाँ से बस और कार, और साथ ही साथ गवर्नमेंट बस भी मिल जाते हैं। आप प्राइवेट कार से आ सकते हैं रेंट पे, नहीं तो शेयरिंग में आ सकते हैं। शेयरिंग में आने से 500 रुपीज़ आपका पर हेड पड़ जाता है। कुछ नहीं है नीचे में। नहीं, ऐसे मैं इसका ये वीडियो ले रहा हूँ। आप लोग कहाँ से? हम लोग इस होटल में हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बैंगलोर से आ रहा हूँ। ओ, बैंगलोर से। कल पहुँचे। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आसाम से। आप तो पास ही हैं। हाँ, तो आप लोग कब आए? हम कल पहुँचे सुबह रात को, रात 6:30 पे। हम आपसे लेट पहुँचे। हाँ, उसके बाद अभी क्या क्या प्लान है आप लोगों का? प्लान अभी तो यहाँ से जो 17 किलोमीटर वहाँ पे 0 पॉइंट ना क्या बोलता है वहाँ पे लेके जाएंगे वो लोग। कटाव लेके जाएगा। कटाव के चार्ज एक्स्ट्रा बोल रहे हैं? कटाव के साथ एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन वहाँ पे बोल रहा था वो कटाव भी वहाँ पे दिखाएंगे बोल के, लेकिन चार्ज मिनिमम 3000। 300 वही हम लोग दे दिया कल पैसा। अभी जाना है हम लोग को 7:30 में। हम लोग बेवकूफ़ ना बन जाए। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ये मत छेड़िए, जो बर्फीले जगह है वहाँ पे जब स्नोफॉल होता है पूरा पहाड़ पे, वही ठीक है। कटाव ही जाना है ना? कटाव जाना है। और कहाँ ले आएंगे आप? कटाव के पहले, कटाव के बहुत और जगह है, लेकिन वहाँ पे लेके नहीं जाएंगे, वो रास्ता ठीक नहीं, अभी ब्लॉक है। यहाँ से बैक करके रास्ते में और कुछ दिखाएंगे, उसके बाद गैंगटॉक। युंगथांग नहीं जाएगा। क्यों? युंगथांग का पैकेज नहीं है आज, युंगथांग बंद है शायद, रास्ता बंद है। ठीक है, ये लोग भाई, ये भाई लोग बेंगलोर से आया है और यहाँ पे रुक रहा है। आज वो लोग भी यहाँ पे जर्नी करेगा, ये जो जगह उन लोग दूसरा गाड़ी से आए हैं। हम लोग जो गाड़ी में आया था वो शेयरिंग में आया है, पर हेड पर पर्सन 2000 रुपीज़ वहाँ से लिया है। और हम लोग आए थे वहाँ पे 8 आदमी, 10 आदमी का ये वो गाड़ी है, लेकिन 8 आदमी गाड़ी में आए हुए हैं हम लोग का।
अभी सभी लोग सो रहे हैं, अभी उठा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये वीडियो लेने के लिए चल पड़े हैं। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत बढ़िया सा दृश्य है ये। वाह, वो जो पहाड़ी दिख रहा है, ये पहाड़ी पूरा उसमें ग्रीनी नहीं है, उसमें प्लान नहीं है, लेकिन ऑलिव और पहाड़ मिट्टी आए हैं, वहाँ पे बर्फ पूरा गिरा हुआ है, आज पूरा बर्फीले है। ये हिमालयन रेंज है, यहाँ से लेके पूरा छारे सिक्किम तक हिमालयन रेंज बने हुए हैं। दूर पे दिखाई पड़ रहा है घर है पहाड़ का नज़दीक में, और इतना सुंदर है ये घर भी, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी। ये यही जगह पे बर्फ गिरा पड़ा है, ये सामने और बर्फ है, लेकिन जो जगह है बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। ये लाचुंग वैली सही में बहुत सुंदर है, ये सिक्किम का एक सुंदर जगह। ये छोटा सा एक सेंटर है, छोटा सा एक टाउन है लाचुंग वैली, यहाँ पे गांव है सामने ही, ये छोटा गांव है सामने, ये एक गांव का एक टाउन, छोटा टाउन लाचुंग वैली, यही पे बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। ये बर्फ गिर रहा है, नीचे बर्फ है, ये झरना नीचे से गिर रहा है पहले। दोस्तों आइए यहाँ पे लाचुंग वैली पे और एंजॉय कीजिए, बहुत ही सुंदर जगह है ये, और यहाँ का जो रहन सहन व्यवस्था आपने बहुत बढ़िया है। एक कुत्ता भूख के आ रहा है, कुछ करेगा क्या, डर लग रहा है हमको, यही कुत्ता सामने आ रहा है। ये कुत्ता टूकेगा क्या, डर लग रहा है। बहुत ही डर रहा है हमको, कुछ करेगा क्या, बल्कि ये कुत्ता कहाँ से आकर आपड़ा के। बहुत बड़ा कुत्ता है ये, क्या करें, बहुत डर लग रहा है। ये कुत्ता तो आ गया, कुत्ता तुकेगा क्या हम लोग को, सॉरी, क्या करेंगे अभी, आगे जाना था, क्या करेंगे आगे। बहुत ही बढ़िया दृश्य था, कुछ नहीं है, क्या है, खुद अच्छा होने से जानवर भी पहचान लेते हैं। ये लोग फिर से दौड़ पड़े हैं, ये लोग मेरे साथ पीछे आ रहा है, लेकिन तभी डर लगता है, क्या करें, अभी तो आगे जाना ही पड़ेगा। देखते हैं आगे जाके। डरा हुआ हूँ मैं कुछ, ये भूख रहा है कुत्ता भूख रहा है। ये सामने जो ब्रिज है, ये दीदी लोग आ रहे हैं, लोकल आदमी यहाँ का। ये टुकेगा दीदी, ये काटिन से कुटले कुछ गोड़िन से बहुत होइन म कुकुर भन्नु डर लागेको थियो, म यताबाट आएको थियो, भोक गरेर आएको थियो, टुकिन्छ कि भनेर। ठिक है, ये भैया लोग को पूछा है कुट्टा ने काटेगा क्या, तब भैया लोग बोला है, वो उसी लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में बताया है कि कुट्टा ने काट भी सकता है, ये कुट्टा बहुत इंजर्ड है, लेकिन तभी होता है, तभी बाद में साहस दिया है कि ये नहीं टूकेगा, जाओ तुम, बल्कि ये नेपाली लैंग्वेज में बोला हुआ है। लेकिन हमको बहुत ठंडी लग रहा है, इतना ठंडी है, अभी कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे यहाँ का तापमान है, बहुत ही ठंडा लग रहा है। ये नीचे एक झरना है, ये नदियाँ
छोटा सा नदी आए, नदी नीचे से आए हुए हैं। ये ब्रिज है, ये ब्रिज थोड़ा सा दिखाएंगे। ये ब्रिज आगे जाएंगे हम लोग और देखते हैं क्या है आगे। आगे का सब देखें, बहुत बढ़िया मज़ा है। ये पहाड़ है, लाचुंग है। ये भैया फोटो खींच रहे हैं। भैया ये फोटो खींच रहे हैं।